इवन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड मीन्स इन विच ऑल मैसेज बिट्स आर टूगेदर इन कोर्ड कोड मीन्स दिससेज दिसरिटी बिट्स कम्प्लीट क्या होगा कोड वर्ड ठीक है सपोज हमारा जो साइक्लिक कोड है वो एन कॉमा के का है मीन्स की लेंथ ऑफ दिस क्या होगी ये हमारी एन बिट्स होंगी कोड वर्ड्स की ठीक है एन विच के बिट्स होंगी फॉर मैसेज ठीक है एन एन माइनस के बिट्स होंगी फॉर पैरिटी क्लियर मीन्स की लेंथ ऑफ कोडवर्ड इज एन लेंथ ऑफ मैसेज इज के लेंथ ऑफ पैरिटी बिट इज एन माइनस के फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सेवन कॉमा फोर तो दिस इज सेवन बिट दिस इज फोर बिट एंड दिस इज थ्री बिट मीन्स की सात बिट का कोड वर्ड जनरेट होगा जिसका मैसेज बिट्स कितनी होंगी चार बिट की एंड नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स कितनी होंगी थ्री डन तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक कोड्स में बताया था कि सिस्टमेटिक केस में हम डिवीजन यूज करते हैं डिवीजन मेथड यूज करते हैं इन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड सी एक्स मीन्स की कोड वर्ड पॉलिनोम is given by x raised to power n minus k into mx. mx is the masses polynomial I have already discussed in system in non systematic cyclic code video. So you can check that plus rho x. Okay? Now what is rho x? rho x is the parity vector. Parity vector. Okay. इंटू मैसेस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई जीएक्स जी एक्स इज द जनरेटर पॉलिनोमियल इसकी इक्वेशन क्या होती है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था तो यू कैन

दिस वॉज द क्वेश्चन जी एक्स वॉज गिवेन एम वॉज गिवेन एंड फाइंड आउट करना था हमें नॉन सिस्टमैटिक कोडवर्ड यहां पर हम क्या करेंगे सिस्टमेटिक कोडवर्ड तो सबसे पहले तो एक दिस एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए क्या वॉट इज द मैसेज पॉलिनोमियल तो इसको हम मैसेज पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं ये जीरो ये वन ये टू ये थ्री ये मैंने लिखी है बेट पोजिशन तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी एम एक्स इज इक्वल डॉट एक्स रेस टू पावर थ्री जो पोजीशन वैल्यू है प्लस जीरो डॉट एक्स रेस टू पावर टू दिस वन प्लस वन डॉट एक्स रेस टू पावर वन दिस वन प्लस जीरो डॉट एक्स रेस टू पावर जीरो ठीक तो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी जीरो तो फाइनल एम एक्स क्या हो जाएगी एम एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स क्यू प्लस एक्स तो ये हमें मिल गई एम एक्स की वैल्यू डन और ये हमें मिल गई थी जी एक्स की वैल्यू डन अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा दिस रिमाइंडर ये रिमाइंडर चाहिए तभी तो हम इसके साथ ऐड करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा रिमाइंडर मींस की रो एक्स तो रो एक्स विल बी इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ एक्स एन माइनस के एन की वैल्यू क्या है फॉर दिस क्वेश्चन सेवन कॉमा फोर का कोड था दिस इज एन दिस इज के ठीक है ये क्वेश्चन में गिवन था ठीक है रिमाइंडर अब एन माइनस के क्या हो जाएगा एन माइनस के विल बी इक्वल टू थ्री ठीक तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर थ्री एम एक्स इज एक्स क्यू प्लस एक्स अंडर ब्रैकेट डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है मींस की हम क्या लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ एक्स सिक्स प्लस एक्स फोर डिवाइडेड बाई एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक अब हम इसका डिवीजन करते हैं ये डिवीजन में यहां पर शो कर देती हूं वैल्यूज लिख देते हैं यह हमारा है एक्स सिक्स प्लस एक्स फोर डिवाइड बाई एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक ठीक नाउ हाईएस्ट पावर इज एक्स सिक्स मीन्स की हम यहां पर अगर एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करें मीन्स की एक्स क्यू तो ये क्या होगा एस सिक्स प्लस एक्स फाइव प्लस एक एक्स क्यू ठीक नाउ अब हम मॉडलोर टू सम करेंगे प्लस किया ठीक तो दिस दिस हमने पहले ही बताया था कि मॉडलोर टू सम का मीन्स क्या होता है इफ बोथ इनपुट इज सेम देन आउटपुट इज जीरो बेसिकली मॉडलो टू का मीन्स होता है एक्सोर वन प्लस वन के लिए वो जीरो होता है जीरो प्लस जीरो के लिए भी वो जीरो होता है मीन्स आउटपुट इज जीरो मॉड्यूलो टू समरगेट क्लियर क्लियर अगर हम वन एक्सोर विथ जीरो करते हैं तो हमें वन मिलता है जीरो एक्सोर हम वन करते हैं तो भी हमें मिलता है तो हमें ये कंडीशन यहाँ पर देखनी है कि इफ बोथ इनपुट इज सेम देन आउटपुट इज जीरो तो एक्स सिक्स को एक्स सिक्स कैंसिल आउट करेगा नाउ वॉट इज द रिमाइंडर एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स क्यू ठीक नाउ दिस दिस पावर इज लेस देन दिस मीन्स कि हमारा और डिवीजन पॉसिबल है नाउ दिस इज एक्स फाइव तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे एक्स टू से ठीक एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक नाउ अगेन मॉड्यूल टू x5 को x5 कैंसिल करेगा x4 को x4 कैंसिल करेगा व्हाट इज द रिमाइंडर वैल्यू एक्स क्यू

ठीक है तो अब हम ये वैल्यू लिखते हैं कि हमें रो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई वन डन तो नाउ अब हम पुट करते हैं वैल्यू इसमें तो सी एक्स वॉज एक्स एन माइनस के एम एक्स प्लस रो एक्स ठीक है तो फॉर दिस हमारी ये वैल्यू थी ये वैल्यू जो थी ये हमारा क्या था वो यही था तो हमारी सी एक्स क्या हो जाएगी सी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन ठीक है दिस इज द वैल्यू ठीक है सी एक्स ये हमें मिल गया कोडवर्ड पॉलिनोम में नाउ हम सी की वैल्यू क्या लिखेंगे फोर इज एवेलेबल मीन्स वन x रेस टू पावर थ्री इज एबसेंट मींस जीरो x रेस टू पावर टू इज एबसेंट मींस जीरो x की पावर वन इज एबसेंट मींस जीरो दिस इज x रेस टू पावर जीरो मीन्स की दिस विल बी वन ठीक है तो नाउ यू कैन सी दिस इज मैसेज बिट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन हमने मैसेज क्या लिया था वन जीरो वन जीरो हमारा मैसेज होगा एंड ये हमारी पैरिटी चेकबिट्स होंगी ठीक अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जो पावर अवेलेबल है मीन्स की वन डॉट एक्स की पावर सिक्स फाइव इज मिसिंग टू जीरो डॉट एक्स की पावर फाइव प्लस वन डॉट एक्स रेस टू पावर फोर प्लस थ्री मिसिंग है तो X to power जीरो डॉट एक्स रेस टू पावर थ्री टू इज मिसिंग जीरो डॉट एक्स रेस टू पावर टू एक्स इज मिसिंग डॉट एक्स प्लस टू पावर जीरो दिस वन दिस इज दिस इज वन ये जीरो ये जीरो ये जीरो वन आप आइदर डायरेक्टली कर लो और आइदर आप इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके कर दो तो, तो दिस इज द सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड फॉर 1010 zero, zero. if you have any doubt related to this question so please write down in the comment section thank you